और इस वक्त एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर दो अलग अलग लोकेशंस पर एनकाउंटर हुए हैं आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच। दरअसल ये एनकाउंटर शोपिया और बारामूला में आतंकी से मुठभेड़। शोपिया के चित्रगाम इलाके में ये मुठभेड़ लगातार जारी है। बारामूला के पट्टन जारी एनकाउंटर, जहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है, क्योंकि कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर ऐसे इनपुट सुरक्षा कर्मियों को मिले हैं। ईशान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ईशान, बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या अपडेट है? ईशान, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए कल रात को एक एनकाउंटर जो है शोपियां जिले में शुरू हुआ, जिसके बाद लगातार अब भी गोलीबारी का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी की तरफ से इस पूरे इलाके को जो है कट ऑफ कर दिया गया, ताकि कोई भी बंदा जो है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जा पाए। और तमाम जैसे रास्ते हैं जहाँ से वो भाग सकते हैं, उनको सील कर दिया गया। लगातार गोलीबारी का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 से 3 लेटरन जो है उस इलाके में छुपे हुए हैं, और उसके बाद एक टारगेट हाउस को जो है कॉर्डन पे लिया गया था, जिसके बाद गोलीबारी का तबादला हुआ रात में, और लगातार अभी भी जो है गोलीबारी का सिलसिला जारी है। और आपको ये भी बताना चलूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही जो पटन है, बारामूला का इलाका है, वहां पर एक एनकाउंटर शुरू हुआ। हालांकि बारामूला जो है उतना मिलिट्री प्रोन एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक एनकाउंटर शुरू हुआ है पटन में, जहाँ पे यारीपोरा ये पटन के एक इलाके में बताया जा रहा है कि लगातार सुरक्षा बलों और मिलिटेंट के बीच में जो है गोलीबारी का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर भी सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके में कॉर्डन लगा दिया गया है, और जहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि हमेशा के वजह से पहले जो है वायलेंस का ग्राफ कम किया जाए और ऑपरेशन जो है मैक्सिमाइज किया जाए, क्योंकि लगातार मिलिटेंट की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रेजेंस दिखाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान आपका इस जानकारी के लिए।